हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बनाएंगे रात को बचे हुए बाजरे की रोटी में से एक सुबह के लिए मेथी वाला एक बढ़िया नाश्ता। जी हाँ, रोटी में सुबह थोड़ी सी मेथी डालकर आप एक बहुत अच्छा नाश्ता बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखें। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने रात की बची हुई बाजरे की रोटी ली है। इस बाजरे की रोटी को हाथ की मदद से इस तरह से, वीडियो में जिस तरह दिखाया है, इस तरह से मीडियम साइज़ के टुकड़ों में तोड़ देंगे। इसको ना ही ज़्यादा कम करना है या ना ही ज़्यादा बड़ा रखना है, इसको एकदम मीडियम साइज़ में ही तोड़ना है। तो यहाँ पर हमने बाजरे की रोटी के एकदम मीडियम साइज़ के टुकड़े कर दिए हैं। तो अब हम इस पर इस तरह से थोड़ा सा पानी छिटकेंगे ताकि जब ये बन जाए तो एकदम सॉफ्ट बनेगा। तड़के के लिए यहाँ पर हमने एक चम्मच जितना धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच जितनी हल्दी पाउडर लिया है, थोड़े कटा हुआ धनिया लिया है, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा कटा हुआ लहसुन भी लिया है, एक चम्मच जितनी राई, एक चम्मच जितना जीरा और एक चुटकी जितनी हींग ली है। यहाँ पर हमने 150 से 200 ग्राम जितनी कटी हुई मेथी की भाजी ली है। हमने यहाँ 500 ग्राम मेथी की भाजी ली थी, लेकिन साफ कर काट कर 200 ग्राम जितनी ही बची है। तो तड़के के लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच जितना तेल लिया है। तो अब इस तेल को गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमने फॉर्चून का सनफ्लावर तेल लिया है, आप जो भी तेल डालते हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम हमारी राई डाल देंगे। राई को अच्छे से फूटने देंगे, उसके बाद ही हम जीरा डालेंगे। राई देखिए हमारी अच्छे से फूटने लगी है, तो अब जीरा डाल देंगे। हमारी हींग भी डाल देंगे। अब हमारा काटा हुआ हरा लहसुन डाल देंगे। अब इस सारी सामग्री को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हमारी काटी हुई मेथी डाल देंगे। अब मेथी को इस तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मेथी अच्छे से भून जाने के बाद हमारा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और हमारा धनिया पाउडर भी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक। आप चाहे तो इसमें गर्म मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस सारे मिश्रण को थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। सब्जी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे इस तरह ही खुला रखेंगे और 1 से 2 मिनट तक धीमी से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और हमारी मेथी की भाजी और सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं, तो इसे एक और बार मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, अब हम इसमें आखिर में हमारी तोड़कर छोटे टुकड़ों में तैयार की हुई बाजरे की रोटी डाल लेंगे और सब्जी में अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। काफ़ी लोगों को इस तरह से बासी नाश्ता खाते वक्त एसिडिटी या गैस की तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पर हमने इस चीज़ में मेथी डाली है तो ये तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। तो लीजिए, यहाँ पर हमने रोटी और हमारी सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम हाथ की मदद से इस तरह से ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम ग्लास से नहीं डाल देना है, नहीं तो हमारी रोटी एकदम ढीली हो जाएंगी। इस तरह से थोड़ा पानी डालना है और मिक्स करना है।
अगर आप अपनी रोटी को और भी ढीली चाहते हैं तो इस तरह से पीछे से थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस रोटी को कम से कम 2 मिनट तक एकदम धीमी से मीडियम फ्लेम पर ही ऐसे हिलाकर लगातार पकाते रहेंगे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सुबह के नाश्ते के लिए मेथी और बाजरे की रोटी का नाश्ता तैयार हो गया है। तो उसे ऊपर से थोड़े हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। हमारा बाजरे की रोटी और मेथी का नाश्ता तैयार हो गया है, तो गैस बंद करके उसे नीचे उतार लेंगे और एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो हमारी मेथी की भाजी और बाजरे की रोटी का ये नाश्ता आप सुबह में चाय के साथ या दूध के साथ खा सकते हैं, या फिर शाम को हल्के फुल्के नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं।